जब किसी आत्मा को हर पल कुछ मिल रहा हो, एक एक घड़ी प्राप्ति स्वरूप में समाया हुआ हो, ऐसी आत्मा को प्रालब्ध स्वरूप आत्मा कहते हैं। प्रत्यक्ष फल उसके जीवन से झलकता हो, उसे प्रालब्ध स्वरूप कहते हैं। हम जानते हैं कि हमें सब कुछ हासिल करना है, और वो होगा पुरुषार्थ के बल से, योग बल, तप का बल, ज्ञान का बल, सेवा का बल और धारणा का बल हमें सब कुछ प्राप्त कराता है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी प्रालब्ध स्वरूप हैं कि उन्हें पुरुषार्थ का कोई भी अनुभव नहीं होता। अंडरलाइन, उन्हें पुरुषार्थ का कोई भी अनुभव नहीं होता। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, तो वो यही कहेंगे कि पुरुषार्थ ना करने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। अंडरलाइन, पुरुषार्थ ना करने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, यानी उनका पुरुषार्थ इतना नेचुरल चलता है कि पुरुषार्थ की अनुभूति नहीं होती। तीन निशानियां प्रालब्ध स्वरूप आत्मा की दिखाई देती है। पहली निशानी है प्रत्यक्ष फल, दूसरी निशानी है प्राप्ति स्वरूप, और तीसरी और अंतिम निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। तो ब्रह्मा बाप से ये तीनों ही निशानियां सब बच्चों को दिखाई देती थी, क्योंकि ब्रह्मा बाप को धुन थी कि मुझे करके औरों को दिखाना है, मुझे वैसा बनकर औरों को बनाना है। जब ये धुन लग जाती है, जब एग्जाम्पल बनने की धुन लग जाती है, तो वो आत्मा क्या से क्या बनने लगती है। उसको एक एक सेकंड ऐसी फीलिंग आती कि पुरुषार्थ नहीं है, मेहनत नहीं है, बस मोहब्बत ही मोहब्बत है, खेल में खेल हो रहा है। और जब मोहब्बत की अनुभूति होती, खेल की अनुभूति होती, तो हर पल प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप के चेहरे से सतत आनंद झलकता था, ब्रह्मा बाप के रोम रोम से नशा दिखाई देता था, ब्रह्मा बाप के हाव भाव से यही दिखाई देता था कि साकार होते हुए भी वो यहाँ पर नहीं हैं, कहीं और हैं, कहीं और हैं। तो ये प्रत्यक्ष फल है, क्योंकि जब हम सही दिशा में गुप्त पुरुषार्थ करते रहते हैं, तो प्रत्यक्ष फल अभी भी मिलता है और भविष्य के लिए भी जमा होती रहती है। तो प्रत्यक्ष फल अभी की निशानी है और प्रालब्ध भविष्य की निशानी है। लेकिन जब प्रत्यक्ष में कुछ मिल रहा हो, तो उसे भी वर्तमान में प्रालब्ध स्वरूप कहेंगे, क्योंकि एक एक सेकंड
आत्मा खुशी में झूमती है, अंडरलाइन, एक एक सेकंड आत्मा खुशी में झूमती है, एक एक पल आनंद के झूले में झूलती है, आनंद का झूला इतना मीठा कि उसे आसपास कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही ब्रह्मा बाप गुप्त पुरुषार्थ, या यूं कहें गुप्त अशरीरी रहना, या यूं कहें बार बार फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति में खोए रहना, ये ब्रह्मा बाप को हर पल प्रत्यक्ष फल दिलाता था। और यही प्रत्यक्ष फल एक एक आत्मा को महसूस होता था कि देखो बाबा तो झूम रहा है, देखो बाबा तो खुशी में खग्गियां मार रहा है, देखो बाबा लेटे लेटे भी कितने आनंद में खोए हुए हैं। तो ये प्रत्यक्ष फल हर ब्राह्मण को मिल सकता है, हर ब्राह्मण का हक है। जो ब्रह्मा ने प्राप्त किया वो एक एक ब्राह्मण प्राप्त करे, लेकिन उसे आसपास की दुनिया से डिटैच रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। अर्थात जितनी आत्मा अशरीरी रहेगी उतनी वो आत्मा प्रत्यक्ष फल के झूले में झूलेगी, अंडरलाइन, जितनी आत्मा अशरीरी रहेगी उतनी प्रत्यक्ष फल के झूले में झूलेगी। जैसे रात्रि को कोई स्थूल नींद करता है तो भी वो अशरीरी हो जाता है, इसलिए वो स्वप्न देखता है, वो कुछ नज़ारे अनुभव करता है, तो ये नज़ारे उसके लिए प्रत्यक्ष फल है, जबकि वो वही देखता है जैसा उसने दिन बिताया है। ऐसे ही जागृत अवस्था में जब कोई अशरीरी रहता है तो उसे खोए खोए रहने का प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है, बार बार उस स्वरूप में खो जाने का अनुभव होता है, बार बार भविष्य प्रालब्ध वर्तमान में अनुभव होता है। इसलिए ब्रह्मा बाप को श्री कृष्ण बनने की अनुभूति कई बार होती थी और देखने वालों को ब्रह्मा बाप से श्री कृष्ण ही दिखाई देता था। शरीर तो बुजुर्ग था, वृद्ध था, लेकिन दिखाई ऐसे पड़ता था जैसे छोटा सा कृष्ण यहाँ वहाँ घूम रहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप उस प्रत्यक्ष अनुभूति में, उस प्रत्यक्ष श्री कृष्ण की छवि में खोए खोए रहते थे, नारायणी नशे में खोए खोए रहते थे। तो क्या हम सब ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो हमें भी अपना प्रत्यक्ष प्रालब्ध स्वरूप, ईष्ट स्वरूप, भविष्य स्वरूप बार बार दिखाई देना चाहिए, बार बार उस स्वरूप की अनुभूति में खो जाना चाहिए। तब हमसे भी औरों को यही दिखाई देगा कि ये आत्मा प्रत्यक्ष फल का अनुभव कर रही है, प्रत्यक्ष फल की अनुभूति उसके रोम रोम से नशे के रूप में दिखाई देता है। दूसरी निशानी है प्राप्त
शक्ति स्वरूप रहना, क्योंकि आत्मा हर पल वरदानों में पलती है, हर पल दुआओं से खेलती है, अंडरलाइन वरदानों में पलती है, दुआओं से खेलती है। एक एक कर्म उसको इतना दुआ दिलाते हैं कि वो दुआओं से ही खेलता झूलता पलता रहता है। एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म उसके वरदानी होते हैं, इसके कारण वो आत्मा वरदानी स्वरूप में होने के कारण वरदानों से ही पलती है। तो ये प्राप्ति संगम युग पर ही है, वरदानों से पलना, दुआओं से खेलना। ये दोनों चीज़ें किसी भी युग में नहीं है, अंडरलाइन ये दोनों चीज़ें, यानी वरदानों में पलना और दुआओं से खेलना, ये किसी भी युग में नहीं है। इसलिए ब्रह्मा बाप वरदानी दिखाई देते थे, ऑलमाइटी बाबा हों या ना हों, लेकिन ऐसा ही दिखाई पड़ता था कि बाप दादा साथ हैं। चाहे वो सो रहे हों तो भी ऐसा ही फील होता था कि कोई नारायणी नशे में लेटा हुआ है। चल रहे हैं तो यही फील होता था कि कोई नशे में खोया हुआ फरिश्ता यहाँ वहाँ चल रहा है। तो ऐसा नशा, ऐसे वरदान और ऐसे दुआओं से हमें भी खेलना है। इसका आधार है एक एक आत्मा को सुख देना, एक एक आत्मा को आगे बढ़ाना, एक एक आत्मा को अपनी शक्ति देकर, बल देकर उनमें उमंग उत्साह भर देना। जब आप मास्टर दाता बन जाते हैं, यानी देते ही जाते हैं, तो कई गुना रिटर्न में प्राप्ति तो करोगे ना। तो ये आत्मा देते देते प्राप्ति स्वरूप हो जाती है, और देने में ही उसको प्रारब्ध की अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा इतनी हल्की रहती है। आपको अनुभव से कह रहे हैं, आत्मा इतनी हल्की रहती है कि उसे ऐसा फील होता है कि शरीर में होते हुए भी वो उमंग उत्साह के पंखों से उड़ रही है। अंडरलाइन शरीर में होते हुए भी उमंग उत्साह के पंखों से उड़ रही है। और यही ब्रह्मा बाप के एक एक कर्मों से झलकता था कि ब्रह्मा बाप दे रहे हैं कि पद्म गुना पा रहे हैं। अंडरलाइन दे रहे हैं कि पद्म गुना पा रहे हैं। तो पाना ही पाना था, देना तो सिर्फ निमित्त मात्र, प्राप्ति ही प्राप्ति थी। और जहाँ प्राप्ति है वहाँ समाप्ति है। अंडरलाइन जहाँ प्राप्ति है वहाँ समाप्ति है, यानि अब कुछ नहीं चाहिए। तो इसे प्राप्ति स्वरूप अर्थात प्रारब्ध स्वरूप कहते हैं। पुरुषार्थ का समय चल रहा हो, पुरुषार्थ करते हुए प्राप्ति हो रही हो, उसे क्या कहेंगे? प्रारब्ध स्वरूप ना, उसे प्रारब्ध स्वरूप ही कहेंगे, क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा, उसने तो माशुक के साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है। अंडरलाइन उसने मासुक के साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है।
वो आशिक बनकर उस माशूक के स्नेह में खोया हुआ है। उसने ऑलमाइटी बाबा को ही संसार बना लिया है, तो प्राप्ति तो होगी ना। तो प्राप्ति ही प्राप्ति है, और ऐसी प्राप्ति करने वाली आत्मा भविष्य जमा करते हुए वर्तमान में पदम गुना प्राप्ति करती हुई दिखाई देती है। अंडरलाइन, भविष्य जमा करते हुए भी वर्तमान में पदम गुना प्राप्ति करती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाप को देखकर औरों का भी पुरुषार्थ तेज हो जाता था। ब्रह्मा बाप को देखकर औरों की लगन भी बहुत अगन का रूप ले लेती थी कि बाप दादा सामने हैं और ये ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उनको देख देख कर, अर्थात ब्रह्मा बाप को देखकर हमारी मीठी मीठी दादियाँ तैयार हुई ना, क्योंकि उन्होंने बहुत नज़दीक से करीब से ब्रह्मा बाप को प्राप्ति स्वरूप में रहते हुए देखा है। और ऐसे ही हमारी दादियों ने पूरा ब्रह्मा बाप को कॉपी किया, फिर दादियों से वही स्वरूप वही प्राप्ति की अनुभूति अन्य आत्माओं ने भी की। ऐसे हमें भी वर्तमान हमारे भाई बहनों के लिए और आने वाले भाई बहनों के लिए हमें भी प्राप्ति स्वरूप अर्थात प्रालब्ध स्वरूप में ही रहना चाहिए, ताकि उनको लेट आते हुए भी सब कुछ मिल जाए। समय पर भल लेट पहुँचे हों, लेकिन ऐसे फीलिंग आती हो कि समय से पहले ही सब कुछ मिल गया हो। अंडरलाइन, समय पर लेट आते हों और ऐसी फीलिंग होती हो कि समय से पहले ही सब कुछ मिल गया हो। तो हमें ऐसे प्राप्ति स्वरूप रहना चाहिए, और प्राप्ति ही प्राप्ति प्रालब्ध स्वरूप के दर्शन कराती है। अंडरलाइन, प्राप्ति ही प्राप्ति प्रालब्ध स्वरूप के दर्शन कराती है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपको प्रत्यक्ष फल हर घड़ी मिल रहा हो, हर घड़ी प्राप्ति ही प्राप्ति हो रही हो, तो आपको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं ना। फिर तीसरी निशानी और अंतिम निशानी आ जाती है, इच्छा मात्रम अविद्या। अब कुछ पाने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि आत्मा तृप्त है। अंडरलाइन, क्योंकि आत्मा तृप्त है, अब उसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। और वो इतना अच्छा बन चुका है कि अब इच्छा भी उस अच्छे को हिला नहीं सकती। अंडरलाइन, वो इतना अच्छा बन चुका है कि इच्छा भी उस अच्छे को हिला नहीं सकती है। इसलिए ब्रह्मा बाप के मुख से सतत ये निकलता रहा कि बच्चे, मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला। क्यों, इतनी इच्छाएं बाप एक एक सेकंड पूरी कर रहा है, तो उसे आत्माओं से क्या चाहिए। जब प्राप्ति परमात्मा से डायरेक्ट हो रही हो, तो उसे आत्माओं से क्या चाहिए, कुछ भी नहीं ना। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी ही उससे जुड़ चुका हो, उसका साथ दे रहा हो, उसे संसार से क्या चाहिए, कुछ भी नहीं ना।
तो इसे इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति कहते हैं, और ये अंतिम स्थिति होती है। ये 18वें अध्याय की समाप्ति करा देती है। तो हमें भी अब इस गंदी छीछी दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। हमें बाबा एक एक सेकंड, एक एक पल सब कुछ दिला रहा है। इतनी दुखी दुनिया में खुशी के झूले में झूला रहा हो, इतनी अप्राप्ति संघर्ष की दुनिया में हम बाबा के ज्ञान रत्नों से खेल रहे हों, इतनी दर्द वाली दुनिया में हम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हों, तो इसे इच्छा मात्रम अविद्या कहेंगे। क्योंकि सब कुछ मिल रहा है और थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा भी नहीं, अखुट मिल रहा है। अंडरलाइन अखुट मिल रहा है। आपको बताएं, एक एक संकल्प ऐसा होता है जैसे कई कई जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त कर रहे हैं। अंडरलाइन एक एक संकल्प में कई कई जन्मों की प्रारब्ध प्राप्त कर रहे हैं। तो बताओ, क्या इच्छा उठेगी, क्या इच्छा रहेगी? कुछ भी नहीं ना, बस गीत गाते रहेंगे। पा रहा हूँ, पा रहा हूँ, पाता ही जाता हूँ, और पाने की झड़ी ऐसी लगी हुई है कि बस पाता ही जा रहा हूँ, पाता ही जा रहा हूँ, पाता ही जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है ना? तो हम सब ब्राह्मणों को मास्टर ब्रह्मा बनकर दिखाना है, और प्रारब्ध स्वरूप की झलक और फलक अपने भाई बहनों को भी दिखाना है, तो आने वाली आत्माओं को भी दिखाना है। तब हम मंदिरों में ईष्ट मूर्ति बनकर एक एक भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करते रहेंगे। पक्की बात है ना? पसंद आई ना? तो हम भी ब्रह्मा बाप समान प्रारब्ध स्वरूप दिखाई दें। अच्छा, ओम शांति।